व्यापार संघ धारचूला ने जीएसटी के खिलाफ वित्त मंत्री का फूका पुतला, एसडीएम को दिया ज्ञापन। जीएसटी के विरुद्ध व्यापार संघ मुखर। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में व्यापारी गांधी चौक में हुए एकत्रित। व्यापारियों ने वित्त मंत्री का फूका पुतला एवं जीएसटी का विरोध, पूर्ण रूप से जीएसटी का विरोध किया जाएगा और जीएसटी की जांच के लिए अगर कोई टीम आएगी तो उसको व्यापार संघ घुसने नहीं देगा। भूपेंद्र सिंह थापा ने बताया कि व्यापार संघ जीएसटी का पुरजोर विरोध कर रहा है और समस्त व्यापारी जीएसटी के विरोध में लामबंद है। धारचूला के गांधी चौक में फूका जीएसटी का पुतला, साथ ही साथ वित्त मंत्री का भी पुतला और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। व्यापार मंडल धारचूला के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जीएसटी के अधिकारियों द्वारा लेकर प्रत्येक दुकानों में अपनी मनमर्जी से व्यापारी को परेशान कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज व्यापार मंडल धारचूला उनका पुतला दहन करेगी। जीएसटी सर्वे व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जीएसटी सर्वे वापस लो। अरे वो एक कट्टर होता था, उन लोगों के वहाँ मान के चल जाता है कि हमारे व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है जीएसटी के नाम से, और सर्वे करके हमारे व्यापारी को जो टैक्स के नाम से व्यापारी को छलाव किया जा रहा है और टैक्स बढ़ाने के नाम से पूरे व्यापारी का सर्वे के नाम से व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके लिए आज हम लोग यहां पर एकत्रित होकर सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं व्यापारी ने सरकार का पुतला दहन किया है, जीएसटी का पुतला दहन किया है। मांग की गई है कि व्यापारी का उत्पीड़न बंद करें और जीएसटी द्वारा जो सर्वे का प्रावधान लगाया है इसको सरकार तुरंत तत्काल वापस ले, जिससे कि हमारी मांगें पूरी करें, अन्यथा हम पूरे उत्तराखंड के व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए हम अनुरोध करना चाहेंगे कि सरकार होश में आओ, व्यापारियों ने आपको हमेशा साथ दिया है और साथ देते हुए आ रहे हैं, आज जरूरत है व्यापारियों की, तो आप लोग जीएसटी के नाम से हमारे व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिए हम इस माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार होश में आओ और व्यापारी